बोलो सनातन धर्म की जय। श्री राम कृष्ण भगवान की जय। श्री शंकर भगवान की जय। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। जगदम्बे मैया की जय। सद्गुरु तेऊ राम महाराज की जय। सद्गुरु सर्वानंद महाराज की जय। सद्गुरु शांति प्रकाश महाराज की जय। सद्गुरु हरिदास राम महाराज की जय। सर्व संतन की जय। प्रेम प्रकाश मंडल की जय। अमरापुर दरबार की जय। गंगा मैया की जय। हे संसारी चित्तउदारी। हे संसारी चित्त उदारी। भावना सारी कर भली। भावना सारी कर भली। कर होशियारी पढ़ विचारी। सत्कर्म साबुन खड़ी तू साफ दिल के कर सदा। हरे राम। सत्कर्म साबुन खड़ी तू साफ दिल के कर सदा। हरे राम। हरे राम राम।
तम फल जास दी हरे राम ब्रह्म जो सुख अचल पाए राम राग विहाग भजन पंज हे संसारी चित्त उदारी भावना तू कर भली कर होशियारी बन विचारी गैर वारी छद गली। ठीक राग विहाग के इस भजन में परम वंदनीय सदगुरु महाराज जिज्ञासुओं को संसारी शब्द से संबोधित करके कह रहे हैं हे संसारी चित्त उदारी उदार चित्त वाले संसारी अपनी भावना को स्वच्छ रखो। भावना तुम कर भली संसार की तरफ चतुराई करके तुमने बहुत देखा लेकिन प्रभु परमात्मा के तरफ अपने मन को लगाओ। चतुराई करनी है तो संसार सागर से पार जाने की चतुराई करो। बण होशियारी कर होशियारी बण विचारी गैर अवारी छद गली। द्वैत भावना जो है उस मार्ग को छोड़ दो द्वैत वाले रास्ते को छोड़ दो समता वाला रास्ता उसको अपनाओ तो कैसे होगा। सत कर्म साबुण खड़ी तू साफ दिल के कर सदा। सत कर्मों रूपी साबुन लेकर के अर्थात सत कर्मों के द्वारा साफ दिल के कर सदा। मन में जो राग द्वेष की उथल पुथल हो रही है जिसके कारण हमारा मन मैला है तो उस मैल को हटाओ। सत्कर्मों के द्वारा मैल पापन जी मिटाए वासना जी पटवली। वासना की जो बेल है जो बढ़ती जाती है अनंत वासनाएं कामनाएं मन के अंदर उत्पन्न होती रहती है उनको जड़ से काट के फेंक दो और पापों की मैल दूर करो। कुत्सित विचार कुविचार वासनाएं उनकी बेल है उसको शुरू से ही उखाड़ के फेंक दो नहीं तो ये बाद में कष्ट पहुंचाएगी। शब्द सा सुरती मिलाए भजन कर एकांत में अपने मन की वृत्ति को गुरुदेव के नाम के साथ जोड़ के
एकांत में अकेला बैठ के भजन करो, सुमरण करो, जगत जा फुरना हटाए गुरमूर्त में रह रली। सांसारिक फुरनों का परित्याग करके, मन को संसार से हटा के गुरमूर्त का ध्यान करो। ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति, गुरु की मूर्ति का ध्यान करने से ही मन एकाग्र होगा, मन की चंचलता दूर होगी। ज्ञान जो प्रकाश पाए मेट तम अविद्या संधि। तम माना अंधकार, अविद्या अज्ञान, अज्ञान रूपी अंधकार के को दूर करो। वो कैसे होगा? जब प्रकाश होगा, ज्ञान का प्रकाश अपने हृदय में जगाकर अज्ञान के अंधकार को दूर करो। ब्रह्म जो सुख अचल पाए, ब्रह्मानंद जो अचल है, जो कभी कम नहीं होता, कभी विनष्ट नहीं होता, उसको प्राप्त करो। बुद्ध विवेकी कर बलि, बुद्धि के द्वारा विवेक करो, विवेक शक्ति को जगाओ। बुद्धि का परिमार्जन करके उसका नाम होता है प्रज्ञा। उसके द्वारा सत्य सत्य का विचार करके सत्य की तरफ अपने मन को लगाओ। कहत टेऊं सुमर सोहम, सम करे विचार के, ब्रह्म साक्षी जान हिक तू, लहर जिय सागर चली। सुमर सोहम, प्रत्येक श्वास के साथ गुरुदेव के दिए हुए निर्गुण मंत्र का जाप करो, सुमरण करो और विचारों में समानता लाओ। समान भाव रखो, राग द्वेष को मन से हटाओ। ब्रह्म और साक्षी, ब्रह्म साक्षी जान हिक तू, ब्रह्म अलग है, परमात्मा अलग है, आत्मा अलग है, ऐसा नहीं, सब एक ही हैं। साक्षी चेतन ब्रह्म का सब घट में है वास, वो साक्षी चेतन रूप है और उससे अलग कुछ भी नहीं। जैसे समुद्र में से लहरें उठती रहती हैं, उसी प्रकार से उस ब्रह्म रूपी समुद्र में भी ये ब्रह्मांड की लहरें हैं। दोनों वास्तव में एक ही हैं। दोनों को एक जान के अपने मन को उनके चरणों में लगाओ, भावना को शुद्ध रखो और उदार हृदय से अपने स्वरूप का ज्ञान प्राप्त करो। अमरापुर वाणी पढ़ तू प्रेमी प्रेम सा, पाए सुमत संतोष है खिमिया जी खानी। भरल जह में भाव जी रसवा रूहानी, वचन हंडाए पाए पद पूरण निर्वाणी। अंग संग थे साणी हर हंद तो सा सतगुरु, महिमा बेअंत सतगुर टेऊं राम जी, महिमा आबे अंत ठायो जग कल्याण लय प्रेम प्रकाशी पंथ। अनभय बाणी सारचो प्रेम प्रकाशी ग्रंथ, पाए सघे न पार को महिमा आहे अनंत। भगतन लय भगवंत आयो मानुष रूप में, सतगुर टेऊं राम के है उपकार अनंत। दिया मोलक जगत को श्री प्रेम प्रकाशी ग्रंथ, डूबत जीव अपार है भव सिंधु है बेअंत। सेतु बनाया ताहे पर प्रेम प्रकाशी ग्रंथ,
सदवारी जाऊं सदा वारी पर बलहार, जिस वारी पर बैठ के ग्रंथ रचा सुखकार। वारी मरथल जानिए वाणी अमृत धार, वारी पर वाणी बनी ग्रंथ हुआ साकार। सागर मंथन से मिला अमृत घट सुखराश, उर मंथन से प्रगटिया ग्रंथ प्रेम प्रकाश। अंध तमस का दीप लौ जो करती है नाश, अंतरतम में दीप सम वाणी करे प्रकाश। पंथ आपका अमर है और अमर है धाम, ग्रंथ आपका अमर है धन गुरु टेऊ राम। अमरापुर वाणी दो ब्रह्म दर्शनी जान, कविता छंद दोहावली पांच रतन प्रधान। पांच रतन मिलकर बना ग्रंथ प्रेम प्रकाश। पठन मनन से होता है पंच कलेश विनाश। सतनाम साखी प्रेम प्रकाश ग्रंथ की अमृतमयी महिमामयी आनंदमयी करुणा वर्षणी ब्रह्म अमृत वर्षणी अंतर दृष्टि उन्मेषणी सर्व व्याधि विनाशिनी भव पाश विमोचनी कल्याणकारी ये वाणी है। प्रेम प्रकाश ग्रंथ में सिंधी अमरापुर वाणी हिंदी अमरापुर वाणी भजन ब्रह्म दर्शनी कवितावली छंदावली और दुआवली ये पांच रत्न है और इनका अनुवाद सरल अर्थ भाव अर्थ इस श्रृंखला में किया जा रहा है। तो प्रेमी गण उस वाणी का अर्थ समझकर वास्तविक सुख और आनंद की प्राप्ति करें। अनंत अद्भुत रहस्य से भरी हुई गुरु महाराज जी की वाणी है, कहीं पे सरल है तो कहीं पे उलट बासियां रहस्यमयी वचन इस वाणी में भरे हुए हैं। तो उनका भावार्थ इस श्रृंखला के द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा है, पढ़ के समझ के मनन करके उनका लाभ प्राप्त करके अपने जीवन को हम सफल बनाएं।